हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट गिवन बाय आर इज इक्वल टू दिस इज एन इक्वेलेंस रिलेशन। शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। अब देखिए इसमें वो क्या कह रहे हैं। क्या गिवन क्या है हमें, गिवन सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और हमें रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 4, 4 रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें क्या लिखना होता है, 4, 4 ऑल, 4 ऑल ए दैट बिलोंग्स टू ए, देयर शुड बी ए ए दैट शुड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब देखिए इन दिस फॉर एवरी ए दैट बिलोंग्स टू ए, ए माइनस ए का मोड इज इक्वल टू 0 इज इवन, ठीक है। हमें पता है कि 0 क्या है, इवन है, तो देयर फोर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद 4, 4 सिमेट्रिक, हमारा नेक्स्ट है 4 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कहता है, 4, 4 ए बी बिलोंग्स टू ए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब देखिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इट मीन्स ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। इफ ए माइनस बी इज इवन देन माइनस ऑफ बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन, ठीक है। ये भी इवन होगा, इट मीन्स बी ए इज बिलोंग्स टू आर, देयर फोर इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। अगर हमारा कोई नंबर a माइनस बी इवन है, तो अगर हम b माइनस a करें वो भी इवन होगा, और बाद में जब मोड ही आ गया तो वो तो इवन ही हो जाएगा। उसके बाद 4 ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, 4 a b c दैट बिलोंग्स टू a इफ a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r देन ए सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू, ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। बी सी बिलोंग्स टू आर मीन्स बी माइनस सी इज इवन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इफ ए माइनस बी इज इवन, बी माइनस सी इज इवन, इट शोज ए माइनस बी ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन, ठीक है। क्योंकि देखिए ए माइनस बी भी इवन है, बी माइनस सी भी इवन है, अगर दो इवन को हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बच जाएगा, ए माइनस सी, और वो भी क्या है हमारा, इवन है, ठीक है। तो देयर फोर ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इससे क्या प्रूव हुआ, ए सी भी बिलोंग्स टू आर, देयर फोर इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इससे क्या पता चला हमें कि ये क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। देयरफॉर इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इट मीन्स द रिलेशन इज एन
इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन है ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 through 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर ओड एंड when we add any two odd numbers we get even number. similarly all elements of 2 4 are odd sorry are even and when we add or subtract any two even number we get even number, ठीक है स्टूडेंट। इसमें हमने ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि 1 3 5 के सारे जो एलिमेंट्स है वो ओड है, जब हम किसी दो एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है। सिमिलरली जो 2 4 है उनके सारे एलिमेंट्स इवन हैं, तो जब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इवन मिलता है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर ओड एंड 2 4 आर इवन If we subtract any two numbers, the result will be odd. Therefore, no element of 1 3 5 is related to 2, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने इसमें क्या लिखा कि देखिए 1 3 5 के सारे एलिमेंट्स ओड है, तो अगर हम किन्हीं भी दो ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक इवन नंबर होएगा, तो इट मींस वो आपस में क्या है, रिलेटेड है। उसी तरीके से जो 2 4 के सभी एलिमेंट्स है वो इवन है, और जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा, इवन आएगा। तो इसका मतलब 2 4 भी आपस में रिलेटेड है, मगर 1 3 5 और 2 4 यहाँ पे ये ओड है और ये इवन है, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमें एक ओड नंबर मिलेगा, तो इसलिए कोई भी एलिमेंट इसके कोरस्पोंडिंग इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स।